हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने स्टोक्स थ्योरम के बारे में देखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है। आज हम एग्जांपल नंबर थर्ड देखेंगे, इसके पहले ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल वन और टू देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप एग्जांपल वन और टू के वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको स्टोक्स थ्योरम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। उसका फॉर्मूला हमने क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए, वहाँ पर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो फॉलो करिए उसको, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। आज का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। Evaluate integral vector f where vector f is given this and c is the boundary of the plane. हमें plane दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हमारा plane मिल जाएगा, closed curve cut off by the coordinate planes. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीज स्टूडेंट्स, हमें स्टोक्स थ्योरम को evaluate करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमें वेक्टर एफ़ दिया हुआ है और प्लेन दिया हुआ है। प्लेन की हेल्प से हम लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, और वेक्टर एफ है उसके हेल्प से हम कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, बाय स्टोक्स थ्योरम। तो हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम क्या है, लिख लेते हैं पहले, बाय स्टोक्स थ्योरम। वेक्टर एन डॉट डेल क्रॉस एफ डॉट डीएस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास वेक्टर एफ दिया हुआ है, तो हम कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट कर लेंगे। प्लेन दिया हुआ है, उसके हेल्प से हम यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि एक्स वाई प्लेन में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेक्टर एन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और डी एस भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन में दिया होता कि हमें एक्स वाई प्लेन में स्टडी करना है, तो हमारा वेक्टर एन क्या हो जाता है, के यूज़ करते हैं हम, डी एस क्या यूज़ करते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजिशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर एन भी फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन एंड डी एस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे मैं स्टेप कर रहा, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम नॉर्मल, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने देखा हुआ है, कर्ल ऑफ एफ, वेक्टर एफ क्या दिया पहले वो लिख दीजिए। वेक्टर एफ इज व्हाट, टू आई वन माइनस एक्स आई प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट कर्ल ऑफ एफ, तो आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डी बाय डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड, आई के साथ जो टर्म है यहाँ पर लिख लेंगे, टू वाई वन माइनस एक्स, जे के साथ जो टर्म है हम जे के कॉलम में लिख लेंगे, और जेड के साथ जो है हम के कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आई दिस इनटू दिस, मतलब हम ये टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आई जाएगा, माइनस दिस इनटू दिस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ये टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर टू एक्स मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा,
माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे तो यहाँ पर जेड है ही नहीं, पूरा कॉन्स्टेंट में ये जीरो हो जाएगा, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस के, अभी देखिए हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हमें लिख देंगे टू वन माइनस एक्स। ओके, तो इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई टू वाई माइनस जे टू एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, वन माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स, तो ये कैंसिल होगा, माइनस वन बच जाएगा, देयरफॉर कर्ल ऑफ एफ यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, टू वाई आई माइनस टू एक्स जे, और माइनस ये वन माइनस टू माइनस वन के, ठीक है, तो ये हमें कर्ल ऑफ एफ मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, और डीएस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दिया कि एक्स वाई प्लेन के में हम इसे स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले यूनिट वेक्टर एन फाइंड आउट करना है, उसके लिए देखिए अभी यूनिट वेक्टर एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग यूज़ किया हुआ है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ फाई अपॉन मोड ऑफ डेल ऑफ फाई, दोनों का सेम मीनिंग है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में यूज़ किया हुआ आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो हम देखिए अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन वेक्टर पोजिशन वेक्टर एन तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या दिया हुआ, प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लेन का हम डेल फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए जो प्लेन है ये हमारा, इसको हम फाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सिंस फाई इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू। ठीक है, अभी डेल फाई का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स अगर आपने डेरिवेटिव मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो डेल फाई हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेल फाई का मतलब क्या हो जाएगा, आई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू सेट, मतलब ये फाई को हम एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन। ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स जीरो जेड जीरो टू जीरो, वाई का डेरिवेटिव वन, यहाँ पे जे बच जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो सेम ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा, जेड का डेरिवेटिव वन, तो यहाँ पे के बच जाएगा, तो यहाँ पे डेल फाई क्या मिल गया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मोड ऑफ डेल फाई क्या होता है, मोड ऑफ डेल फाई हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट क्या है वन, वन का स्क्वायर, जेड का जे का कोएफिशिएंट क्या है वन, वन का स्क्वायर, और जेड का क्या है सॉरी के का क्या है वन, वन का स्क्वायर, मतलब ये क्या मिल जाएगा रूट थ्री। ठीक है, देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब एन बार क्या मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल फाई अपॉन मोड ऑफ डेल फाई इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन मिल गया हुआ है, मतलब एन बार मिल गया हुआ है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीएस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ स्टूडेंट्स ये स्टेप ध्यान से देखिए, अगर हमारा ये एक्स वाई प्लेन में होता तो हम डायरेक्टली डीएस को एक्स इंटू डी वाई यूज़ कर लेते थे, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक्स वाई प्लेन नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंस डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा इंटू, अभी देखिए स्टूडेंट्स हम डी एस फाइंड आउट करेंगे इन एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू फाइंड डी एस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है
कॉस थीटा डी एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, उसे हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर एन डॉट के, ओके। इसके हेल्प से हम डी एस फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना होगा जब भी आपको एक्स वाई प्लेन में डी एस फाइंड आउट करना रहेगा तो, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यूनिट वेक्टर एन मिला हुआ है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम आई प्लस जे प्लस के डॉट के, ठीक है। तो अभी डॉट प्रोडक्ट आई के साथ के ज़ीरो, जे के साथ के ज़ीरो, के डॉट के वन होता है। तो इसका मतलब हमें देखिए क्या मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री, ठीक है। ये कॉस थीटा को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री डी एस मिल जाएगा। ये रूट थ्री को यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें डी एस मिल गया स्टूडेंट्स, रूट थ्री डी एक्स इंटू डी वाई, ओके। तो यहाँ पर हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट किया और डी एस भी फाइंड आउट किया। ये दोनों स्टेप हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हमारा जो प्लेन था वो हमें एक्स वाई प्लेन में नहीं दिया हुआ था, तो हमने एक्स वाई प्लेन में डी एस और यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, ओके। नेक्स्ट स्टेप अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो प्लेन दिया हुआ है उसका हमें डायग्राम बनाना बाकी है, अभी तक हमने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, ये हमारा प्लेन है। इसके हेल्प से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन क्या है, वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें जेड क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। एक बार हम एक्स ज़ीरो जेड ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टू मिलेगा। और एक बार हम वाई ज़ीरो और जेड ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, टू, ठीक है। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ज़ीरो ज़ीरो पहले एक्स लिख लेते हैं, टू ज़ीरो ज़ीरो एक पॉइंट ये मिल गया, ज़ीरो टू ज़ीरो और एक पॉइंट हमें मिल गया ज़ीरो ज़ीरो टू, ठीक है। हमें तीन पॉइंट मिल गए हैं। तो अभी कैसे इसका डायग्राम क्या होगा, ये इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, टेट्राहेड्रन का इक्वेशन का डायग्राम होता है। यहाँ पर ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तीनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो पहला क्या है, एक्स टू है, वाई एक्स जेड ज़ीरो है। तो यहाँ पे सपोज टू यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाई टू यहाँ पर है और जेड टू हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तीनों पॉइंट को हम जॉइन कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये टेट्राहेड्रन का डायग्राम होता है, ठीक है। तो अभी हमें किसके बारे में स्टडी करना है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इक्वेशन का जो डायग्राम होता है वो आप ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। अभी देखिए हमें किसके बारे में स्टडी करना है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या है, दिस ओनली, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के बारे में बताता हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स क्या है, एक्स पे टू है, वाई क्या है, वाई पे टू है, ठीक है। सिर्फ हम एक्स वाई प्लेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट ज़ीरो टू हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो एंड टू, ओके। तो यहाँ पर देखिए लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिप बनाते हैं। स्ट्रिप हमने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे और रोटेट करेगा। तो यहाँ पर एक्स क्या है, टू ज़ीरो है, यहाँ पर एक्स क्या है, टू। तो यहाँ पर ज़ीरो टू टू हमारा एक्स के लिए लिमिट मिल गया। और स्ट्रिप के लोअर पार्ट में क्या है, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अपर पार्ट में क्या इक्वेशन है हमें पता नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो पॉइंट है हमारे पास, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये दो पॉइंट है हमारे पास, किसी को भी पॉइंट वन कंसिडर कर सकते हैं आप। वाई माइनस, अब इसे पॉइंट वन कंसिडर किया हमने, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा,
टू टू कैंसिल, ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू माइनस एक्स। ये देखिए वाई, ये अपर स्ट्रिप के अपर पार्ट में क्या है हमारा, वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास लिमिट वाई के लिए हो जाएगा, वाई ज़ीरो टू वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, देयरफॉर अभी हमारा बाय स्टॉक्स थ्योरम, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स एक एक करके। अभी यहाँ पर पुट करते हैं, उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट फर्स्ट, इसमें लिमिट हम किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रिप हमने अलोंग द एक्स एक्सिस बनाई है, तो हमारा यहाँ पर एक्स का लिमिट आएगा ज़ीरो टू टू, फिर सेकेंड इस पर वाई की लिमिट आएगी, स्ट्रिप के लोअर पार्ट में वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, स्ट्रिप के अपर पार्ट में वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स है, तो हम लिमिट लिख लिए। ओके, और एन एन यूनिट वेक्टर एन हमने फाइंड आउट किया है, आप ऊपर जाइए, ऊपर देखिए आप यूनिट वेक्टर एन क्या मिला है हमें, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर एन, वो हम लिख लेते हैं। तो क्या है, आई प्लस जे प्लस के डॉट सॉरी रूट थ्री, और फिर कर्ल ऑफ एफ हमने क्या निकाला था, ये हमारा कर्ल ऑफ एफ है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टू वाई आई माइनस टू एक्स जे माइनस के, और डी एस हमने क्या फाइंड आउट किया था, डी एस इज इक्वल्स टू वॉट, देखिए यहाँ पर है, डी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अभी बहुत ही सिंपल हो गया, अभी सारे टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, अभी सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए आई डॉट आई वन होगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, जे डॉट जे वन होगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, के डॉट के वन होगा बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये टू आई जे डॉट जे टू एक्स के डॉट के माइनस वन बचेगा, पहले डिवाई करेंगे फिर डी एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, और लिमिट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर वाई का लिमिट पुट करेंगे, फिर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे और एक्स का लिमिट पुट करेंगे। देखिए टू वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर बाई टू, ये टू एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टू एक्स वाई हो जाएगा और वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। तो एक बार अपर लिमिट पुट करना है टू एक्स, फिर एक बार लोअर लिमिट करना है ज़ीरो। ठीक है, कहाँ पर पुट करेंगे, वाई के जगह पर, जहाँ जहाँ पर वाई दिख रहा है एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू माइनस एक्स और टू माइनस एक्स, ये हमने वाई की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दिया, जब ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो उसे रखने की उसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक स्टेप हम इसे सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए टू ए बी बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर एक्स टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू प्लस एक्स। ठीक है, देखते हैं क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म ये टू फोर माइनस टू टू हो जाएगा, फोर एक्स एक्स सेवन सेवन एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा बहुत ही सिंपल स्टेप बचा हुआ, इंटीग्रेट करना है और इसे लिमिट पुट करना है एक्स का। ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, ये टू एक्स हो जाएगा, सेवन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये थ्री एक्स रेस टू थ्री बाई थ्री हो जाएगा। एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट पुट करना है, पहले टू पुट करेंगे ये फोर, ये टू पुट करेंगे तो ये फोर फोर टू जा ये फोर्टीन और ये एट, टू पुट ज़ीरो पुट करेंगे तो सारे टर्म जीरो हो जाएगा, उसको दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है और हमें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फोर्टीन माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारा माइनस टू इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया है माइनस टू। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, आपको ध्यान से करना है, दो तीन नई चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो भी हमने एग्जाम्पल देखे थे इसे थोड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है,
प्लीज़ स्टूडेंट्स आप आपके टेक्स्ट बुक में से और ये सेम टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ओके स्टूडेंट्स। और मैंने और भी एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और आप अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करिए। और वेक्टर इंटीग्रेशन के, वेक्टर डिफरेंशिएशन के भी हमने और क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये वीडियो का, मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।